आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है कि नोज़ रिंग किस तरीके से वेयर एंड रिमूव करते हैं। जी हाँ, अगर आपकी नोज़ रिंग जो है वो नोज़ में अटक गई है तो उसे किस तरीके से रिमूव करना चाहिए, तो आज मैं इस टॉपिक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिंकी ट्यूटोरियल। दिस इज मी योर रिंकी एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोग को जैसे कि टाइटल पढ़ के पता चल गया है आज मैं आप लोगों के साथ कौन सा वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो जी हाँ, आज मैं आप लोग के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट डिमांडेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि नोज़ रिंग जो है उसे किस तरीके से रिमूव करना है अगर आपकी वो नोज़ में अटक गई है तो। ठीक है, ये तो उसे आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से स्टेप से मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा बेल बटन है, उसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सको। सो गाइस, मैं अपने इस चैनल पे मेकअप रिलेटेड वीडियो, नो स्पिन वीडियो और प्रोडक्ट्स रिव्यू का वीडियो और शेयर करते रहती हूँ। तो अगर आप इन सारे वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है कि नोज रिंग किस तरीके से वेयर एंड रिमूव करते हैं। जी हाँ, अगर आपकी नोज रिंग जो है वो नोज में अटक गई है तो उसे किस तरीके से रिमूव करना चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आप लोग के साथ डिटेल में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, मुझे नोज रिंग वेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने 2-3 नोज रिंग अपने लिए बनवाई है, जिसमें से आज मैं जिस नोज रिंग का आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड ये जो नोज रिंग है वो गोल्ड की नोज रिंग है। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन सा वो नोज रिंग है। तो ये गोल्ड की नोज रिंग है, ठीक है, आप देख सकते ये नोज रिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। अभी मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितना प्रिटी सा नोज, मिडिल साइज का नोज रिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ये नोज रिंग है। ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप की नोज रिंग बनवानी होती है। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं अभी आपको ठीक से दिख रही है कि नहीं दिख रही है, नहीं तो मैं इसे बैक कैमरा से आप लोग को इसका डिज़ाइन दिखाऊंगी कि बहुत ही प्रिटी सा इसका डिज़ाइन है। अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बनवा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर नोज रिंग आपकी जो नोज में अटक गई तो उसे आपको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, और नोज रिंग किस तरीके से वेयर करना वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे नोज रिंग जो है उसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे हम। ये आप देख सकते हो नोज रिंग जो है इस तरीके से ओपन एंड क्लोज होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम वाला नोज पिन है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आप डेफिनेटली इस नोज़, तो गाइस अगर आपने अभी अपने नोज़ को छिदवाया है तो मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके के नोज़ रिंग को ही वेयर करें, क्योंकि ये जो नोज़ रिंग होती है ना ये बहुत ही अच्छी होती है आपके नोज़ को थोड़ी सी भी, ताकि आपने जो अभी नोज़ को पियर्सिंग करवाया है उसमें आपको थोड़ी सी भी परेशानी ना हो, आप इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके इसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस तरीके की नोज़ रिंग अगर आप वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट से मैं इसे आपको वेयर कैसे करना है वो दिखाती हूँ। ठीक है, पहले मैं अपने इस नोज पिन को रिमूव कर लेती हूँ। सो फर्स्ट आपको इसे ओपन कर लेना है, आप देख सकते हो काफ़ी मोटी है, तो इसे कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको, तो गाइस आप देख सकते हो ये जो नोज़ पिन है इसे मैंने खोल लिया और मैं अपने नोज़ के होल पे रख रही हूँ, और इसका जो तार है ये काफ़ी मोटा है, तो इस वजह से अगर आपने नए अपने नाक को छिदवाया है तो आपको उसमें धीरे धीरे इस नोज़ पिन को अंदर की तरफ में प्रेस करना है। ठीक है, एक बार में ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरे नोज़ में बहुत ही टाइम लगी इसे घुसने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है और ये जो नोज़ पिन है वो तुरंत ही आपके नोज़ में चली जाएगी, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है। आपने देखा कि नोज़ रिंग को किस तरीके से वेयर करते हैं तो बहुत ही प्रिटी लगता है। अगर आप इस तरीके के बाली टाइप की नोज़ पिन को वेयर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड कोई भी ओकेशन पे, कोई भी स्पेशल ओकेशन पे अगर आप इस तरीके की बाली
नोज पिन को वेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके की रिंग को वेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है कोई भी स्पेशल ओकेजन पे। ठीक है, नहीं तो रेगुलरली मैं वो जो तार वाली नोज पिन होती है उसे ही वेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसे जब चाहूँ तब उसे उतार सकती हूँ, तो इस वजह से मैं तार वाली नोज पिन को वेयर करना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि नोज़ पिन जो आपके नोज में अटक गई है उससे आपको किस तरीके से रिमूव करना है। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि नोज पिन किस तरीके से रिमूव करते हैं, ये मेरे वीडियोस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से हम नोज पिन को रिमूव करें या फिर नोज रिंग को रिमूव करें। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के नोज रिंग को वेयर करते हो तो इसे रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं आज आप लोग की डिफिकल्टी को दूर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको क्या करना है, अपने नोज रिंग को थोड़ा सा जो अटक गई है नोज पिन उसे आपको इस तरीके से ना आगे पीछे नोज के होल में करना है। ठीक है, ठीक है, ताकि ये आगे पीछे होने से क्या होगा, थोड़ा सा लूज़ होगा जिससे कि आप इसे बहुत आसान तरीके से खोल सकोगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको ऊपर की तरफ से इसे मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको इसे रिमूव करना सिखाऊंगी। ठीक है, कि आपको किस तरीके से रिमूव करना, तो आप देख सकते हो ये अंदर की तरफ में जो पोर्शन है उसे आपको थंब की हेल्प से पकड़ना है। ठीक है, थंब में जो आपकी नेल होती है उसमें आपको उसे पकड़ना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ में उसे खींचना है। ठीक है, एक बार में आपको ज़ोर से नहीं खींचना है, आपको धीरे धीरे ऊपर से और नीचे की तरफ से खींचना है ताकि उसका जो लॉक है वो लॉक खुल सके और आप अपना नोज़ पिन जो है वो उसे रिमूव कर सकोगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से मेरा जो नोज़ पिन है वो खुल गया है। ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो आपको पेन हो सकती है क्योंकि बहुत छोटा सा नोज़ रिंग होता है, तो बहुत सावधान रहना। तो गाइस, आपने देखा कि ये जो नोज़ पिन है वो अभी मैंने इसे वेयर किया था और अभी इसे खोलने में थोड़ा सा मेरे नाक में जो है वो पेन होने लगा। क्यों पेन होने लगा? क्योंकि इसकी जो तार होती है ना वो थोड़ी सी मोटी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। ठीक है, बट जब आप इसे रेगुलरली पहनोगे तो ये आपके नोज़ में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और उसके बाद में जब आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो उस टाइम पे जब ये अटक जाएगी तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने थंब से जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको इसे धीरे धीरे करके खींचना है। ठीक है, ध्यान रखिए ज़्यादा ज़ोर से मत खींचेगा, नहीं तो ऊपर के साइड से आपके नोज़ में पेन होने लगेगा। मैं गाइस पहले नोज़ पिन को वेयर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती। तो मैंने अपने नोज़ पिन को वेयर कर लिया है। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे कहा कि आपको नीचे के साइड से धीरे धीरे खींचना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, नहीं तो ऊपर के साइड पे आपको थोड़ा सा पेन होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नोज़ रिंग को रिमूव कर सकते हो। इस सिंपल स्टेप से ही आपको नोज़ रिंग को रिमूव करना होता है। ठीक है, अगर तभी भी जाकर अगर आपकी नोज़ रिंग जो है वो नहीं खुलती है तो आपको क्या करना है उस टाइम पे आपको नेल कटर लेना है और नेल कटर से यहाँ पे साइड में कट कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो नोज़ पिन है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको धीरे धीरे आपको अपने नेल के अंदर में इसे अच्छे से फंसाना है, उसके बाद में धीरे धीरे ट्राई करना है खोल, क्योंकि ये लॉक सिस्टम होती है तो आपको जस्ट इस लॉक को रिमूव करना है, तब जाके ये आपका जो नोज़ रिंग है वो बहुत आसान तरीके से रिमूव हो जाएगा। बाद ही जाके आपकी जो नोज रिंग है वो आसान तरीके से खुल जाएगी। तो गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।